जी, आई एक्सटेंड वॉर्म रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूस यू. ही इज द रिमार्केबल सेंट ऑफ आवर टाइम. गुरुजी, हेलिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, वाज नर्चर्ड बाय माश्री चिंतपूर्णी जी सिंस चाइल्डहुड, फाउंडेड फ्रॉम द फार इन स्पिरिचुअल जर्नी, गाइडेड बाय श्री हनुमान जी एंड श्री महादेव जी. एट देयर वेरी टेंडर एज ही डिलीवर्ड इनटू द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सीमलेसली बिकमिंग पार्ट ऑफ नेचर्स इंट्रिकेट मैनकाइंड. I feel honored to extend my heartiest welcome to our respected Vice Principal Ma'am, Professor Archana Oberoi, Head Department PG Computer Science, Dr. Nishchay Bell, President IT Forum, and all the members of the staff, especially last but not the least, our students who have joined our session with full zeal and enthusiasm. Now, I request our Vice Principal Ma'am, Head Department Nishchay Bell Sir, President IT Forum, and members of the staff to please welcome our guest with the bouquet. All the teachers, please join them. So, as we are set on this spiritual inner healing journey, I invite our speaker of the day, Om Varunji, to please come on the dais and share his valuable insights on human energy, thoughts, and meditation. Welcome, sir. Jai Bhola ji. सबसे पहले तो I'll prefer कि हम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं करेंगे. सबके लिए कन्वीनियंट लैंग्वेज रहे और द प्लेस में आई एम स्टैंडिंग टुडे, आज जहाँ खड़े हैं ये जगह, ये कॉलेज जहाँ आज आप सब पढ़ रहे हैं, कभी यहीं से पढ़ेंगे. हमारे प्रोफेसर्स निश्चय बैल सर, विशाल सर, उनका मैम, सबसे बहुत कुछ सीखा है. नहीं पता कॉलेज लाइफ कैसी आजकल की है, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ बीइंग इन डीएम कोई भी टीचर है वो आपको बियॉन्ड लाइफ बहुत कुछ सिखाते हैं. आपकी लाइफ के रूटीन एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मायने भी लगते हैं. आप अगर अपनी लाइफ को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़, सिर्फ एक स्टडी पैटर्न पे नहीं देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके टीचर से आपको रोज सीखने को मिलता है. फ्रॉम द रूटीन लाइफ टू द स्टडी पैटर्न्स, योर एजुकेशन, योर लर्निंग्स, एग्जाम्स और हर वो चीज़ जो आपको आज चाहिए से लेके कल जो आप काम करेंगे, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, कुछ भी कीजिए, पर जो आज करेंगे यहाँ पे इस 3 से 5 साल की लाइफ में, ये आपके अगले 50 ईयर्स तक रिजेंबल करने वाला. इस टाइम में आप कुछ भी कीजिए पर अपनी लाइफ को बैलेंस जरूर. ये धरती ऐसी है जिस पे आप इतना सीख सकते हैं ना, जिसे आप कंपेयर नहीं कर पाए. नहीं पता आज की जनरेशन को क्या क्या इतना अच्छा लगता है कॉलेजेस में. बहुत जेन्युइनली हमारे टाइम पे हमारे लिए कुछ रूटीन चीज़ें होती थी, आए, टीचर्स को मिले, क्लासेस अटेंड की और उसी सब चीज़ों में कि आप अपनी लाइफ को कॉलेज में कैसे जी रहे हैं, इसी पे आई थिंक थोड़ा सा और बेटर निश्चय बैल सर कुछ कह पाएंगे, उसके बाद पूरा शुरू करेंगे. बट आई थिंक कॉलेज पहले ज़्यादा ज़रूरी है. सर प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इससे
देखिए वरुण जी, ओम वरुण जी, अपना जो कार्यक्रम है आज का इसको शुरू करें। तो हम सब बहुत ही ब्लेस्ड हैं आज कि हमारे बीच हमारे पुराने एलुमनाई अवेलेबल हैं। आप इनको सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की तरह ना देखें, इनको प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी उतनी ही आती है जितनी आप सबको आती है, ओके, रादर से ज़्यादा ही आती होगी। बट इन्होंने अपने लाइफ में एक पैशन रखा, तो जो सीखने वाली बात यह है कि लाइफ में जो भी पैशन रखो उसको पूरा जरूर करो, ओके। इन्होंने पैशन रखा, मेरे से तो काफ़ी साल हो गए इनको मिलते, हर बार हम मिलते रहे हैं और हर बार मैं कुछ लर्न करता रहा हूँ। I happen to meet him at so many places. तो like मैं आपको कुछ महीने पुराना कोई इंसिडेंट बताता हूँ। Someone was not well actually. तो मेरे को इनकी कॉल आई, तो I just told him that I'm not at home, I'm somewhere else. So can we speak maybe at some other time? मैं छोटी सी एग्जाम्पल करता हूँ जिससे आपको ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन पता चलती है, ठीक है। तो then he called upon me, okay, sir, what happened, what's not well, and before I could tell him, he asked me, okay, कहाँ पर हूँ, without telling me, am I correct, sir? He was there. In next 10 minutes, he was there with us. So that's the greatness of a person. और आजकल हम अपनी life में कितने, चलो use नहीं करना चाहिए word, selfish हो जाते हैं, कई चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, कई जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति। कई बार हम कहते हैं चलो यार ठीक है काम हो जाएगा, शायद मैं नहीं तो कोई और कर लेगा, हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा देख लेंगे, चले जाएंगे बीच में जैसे चलता है। तो लाइफ डजंट गो लाइक दिस, ओके। अगर लाइफ जीनी है तो लिव इट बिग, लिव इट विद पैशन, लिव इट विद रिदम्स, ओके। लाइफ को इंजॉय करो, अगर काम कर रहे हो तो काम को एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को एंजॉय करो, खेल रहे हो तो खेलने को एंजॉय करो, और अगर मूवी देख रहे हो तो मूवी एंजॉय करो, ठीक है। मैं कल के एग्जांपल बता रहा हूँ, कल मैं गया हुआ था मूवी देखने, आई एम सॉरी वरुण जी, काफ़ी देर होगी मूवी नहीं देखी थी, पर कभी कभी मेरे को लगता है देख लेनी चाहिए। मैं कल गया हुआ था फाइटर देखने, मेरे को पुरी सर ने कहा था बहुत बढ़िया, वो मेरे से पहले देखा थे, विशाल सर भी देखा थे। तो माई वाइफ, माई डॉटर वॉज सिटिंग विद मी, तो हॉल था, मैं पता नहीं कल ही पागलों की तरह, जब भी वो जय हिंद और जय भारत माता की जय कर रहा था तो मैं साथ में तालियां मार रहा था, ठीक है। इससे पिछली जो मूवी मैंने देखी थी वो गदर 2 थी, ठीक है, वो भी अब इंसिडेंटली सारी मूवीज हमने देशभक्ति की देख ली, तो उसमें भी यू नो आई वॉज द वन हु वॉज क्लैपिंग द मोस्ट व्हेन द सनी देओल वॉज pulling that hand pump. So, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो भी करो पैशन से करो, बिल्कुल पैशन से। बट आपको एक और चीज बता दूं, सुबह मेरे ख्याल से अगर बच्चे बैठे हैं तो उन बच्चों को तो मैंने बताया था, आई थिंक दैट गर्ल्स आर सिटिंग इन दैट लास्ट रो, इनको पता है कि कल मैं मूवी में था, और इनको मैंने ये भी बताया था कि ऐसा नहीं कि मैं संडे को उसमें मूवी देखता रहा, मैंने 5 hours स्टडी भी की है कल उसके अलावा, और 7 hours की स्लीप भी ली है, 3 hours की मूवी भी देखी है, और 2 hours का लंच भी बाहर किया। सो दैट वॉज माई शेड्यूल। मैंने अगर संडे भी किया तो पैशन के साथ किया। तो आजकल हम मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, ऐसा हमारी ये प्रॉब्लम है वो, सो मेनी प्रॉब्लम्स कुड बी एन नंबर, वैसे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं 1-2 मिनट ले रहा हूँ, बिकॉज योर प्रेजेंस इज मोटिवेटिंग मी टू से दैट। सो इससे पहले वरुण जी शेयर करें, मेरे को तो आप रोज सुनते रहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही आदरणीय हमारे कॉलेज के सीनियर वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर अर्चना राय जी अवेलेबल हैं, तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के ऊपर रखें। सो मैम अर्चना राय जी, थैंक यू। Respected Dr. Nishchay Mehal sir, head of the department, and my dear friends, as I have been just informed that there is a session that is going on, the topic is inner healing session,
And first of all, I think I'm really honored to be here with you. And a well-renowned speaker, Shri Om Varun Ji, is with us. Even though I'm meeting him for the first time, but Dr. Behl has explained to me that he is a very good speaker. He enlightens all the people who came in contact with him. So I think I'm happy to be here with him. And as the title tells us, inner healing session, so we can understand that when we are talking about the students, we know that the students, they have to undergo so many stresses, and because of the, some family problems, because of the studies, there's so many things, everything in every man's life, something or the other always go on. We have to face one problem, we try to come out of one problem, then there is another problem for us to see. And because of all the stresses, the students and even the, all the human beings, they have to undergo, then I think it is very necessary such type of session should be held. And the topic is inner healing sessions. And I think the best way for any person is to get healed is that when he tries to reconcile with God, okay? And if he tries to reconcile with the environment, when he tries to reconcile with the neighbors, and more importantly, when he tries to reconcile with his own self, only then he would be able to get happiness. And the happiness is the most important thing in our life. We have the full right to be happy in every circumstances. And the best way is that we should try to listen to ourselves. What my heart is telling me, what my brain is telling me. And then I have the full right to decide that what is good for me. So sometimes we say that we should not be self-centered. But I think we should give full responsibility. It is our own responsibility that first of all we should think of our own self. Okay, if we are not thinking of our own self and we are thinking of the other people simultaneously, it is okay. But the most important thing is that we should also think of our own happiness. Okay, we may be very dutiful. Okay, we may be performing all our duties as far as for other people who are in our life. But if we are ignoring ourselves, that is not going to be the right. Then we, in the afterwards, we will always complain, oh, that was the time that I might have taken care of myself and I have not done anything for me. So the thing is, we have to think of our own present time, also think of our own personal happiness also. So the thing is that we should have to be always positive in our attitude, okay? There are problems, there's no doubt about in everybody's life, but we have to be always positive in our attitudes. I think these are the some important things that you are going to discuss about the inner healing session, and I'm really grateful to Shri Om Varun Ji that you have come here. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your motivational words. Happiness leads to healthy life as we know it. So I request Om Varunji to please come on the dais and share his invaluable insights. पीछे वाले बच्चे बेचारे ध्यान देने के मूड में नहीं हैं। पहले तो आगे आ जाइए। मेडिटेशन को सुन के कुछ अजीब लगता है, पता नहीं किस फील्ड में चले जाएंगे, दुनिया की कौन सी डायरेक्शन में लाइफ चली जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स। आप तो आईटी डिपार्टमेंट वाले हो,
मेडिटेशन ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया एक्चुअली नहीं। आज मेजर कंपनीज जो आईटी सेक्टर की है रूटीन में अपनी कंपनीज में सेशन रख रही है मेडिटेशन के अपने एम्प्लॉयज के लिए। इट कुड बी फेसबुक, इट कुड बी गूगल जहाँ कल आप शायद काम कर रहे होंगे, इट कुड बी इंफोसिस और जस्ट योर ओन ऑफिस जहाँ पे आप अपनी तरफ से हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। बट हर उस जगह पे आपकी लाइफ को बैलेंस मेडिटेशन ही करती है। वो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाने के लिए नहीं, आपको अपनी लाइफ का पाथ नहीं बदलना है। जिस फील्ड में हो कुछ भी कर रहे हो, यू आर अ डांसर, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ योर ओन स्किल्स, कुछ भी आप कर रहे हैं, बट द पार्ट ऑफ योर लाइफ जिसमें आप सिर्फ सुबह के एक घंटे के समय को अपनी लाइफ को मेजर लेवल पे चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो एक घंटा आपकी आने वाले 10 साल की रूटीन में ऐड करके आप अपनी लाइफ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 50 ईयर्स से 70-80 और मे बी 120 तक भी लेके जा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। योर ओन लाइफ इज बीइंग बैलेंस्ड। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी, एनर्जी एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते हो, थोड़ा बहुत है इसके बारे में हमने बुक्स में भी पढ़ा है, पर जो अभी तक आपने बायोलॉजी में पढ़ा है या केमिस्ट्री में पढ़ा है वहाँ पे आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में सिर्फ ब्लड फ्लो और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। इट इज अ लॉट बियॉन्ड दैट। आपकी बॉडी से एटलीस्ट 1 फीट की दूरी तक ऑन एन एवरेज 9 इंचेस टू 12 इंचेस आपका ही ऑरा रहता है। ऑरा क्या है? ऑरा आप ही की बॉडी का एनर्जी कंप्लीशन है। आपकी कंप्लीट बॉडी आपसे अगर 1 फुट दूर तक भी एग्जिस्ट कर रही है ये आपको पता कैसे चलेगा? कई बार आपने नोटिस किया होगा आप कहीं बैठे हैं, कोई बंदा रूम से एंटर करता है, डोर खुलेगा आपको लगेगा कुछ अजीब हुआ। कई बार कोई एंटर करेगा आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार एकदम से डर लगता है कि क्या हुआ। वो जो हुआ है वहाँ पे जिस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट उस रूम की एनर्जी में ऐड हुई है, या तो वो बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है, इट कुड बी अ न्यूट्रल एनर्जी, या वो उसी एनर्जी का पार्ट है जिस एनर्जी में इस वक्त आप घूम रहे हैं। आपको वो जो थॉट प्रोसेस दिख रहा है उसका बहुत बड़ा मतलब है। क्वांटम लेवल पे आप जब एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, आपकी फिजिकल फॉर्म और किसी भी तरह की ऐसी फॉर्म जो आप देख भी नहीं सकते, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल क्रिएशन इज द एटम। ये आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है। उससे एडवांस इज द क्वांटम पार्टिकल जो एटम से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। आजकल इस पर काफ़ी स्टडी चल रही है। इंडियन कल्चर में इसके बारे में बहुत कुछ है। आप अपनी रूटीन लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसमें एटम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्वांटम पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। आपकी लाइफ में की कंप्लीट बॉडी क्रिएशन में आपके ऑरा में सिर्फ डिफरेंस ये है कि उनकी एक स्पेसिफिक एरिया में डेंसिटी कितनी है, दूसरा उनका मेमोरी बेस क्या है। आज आपने बुक्स में मीडिया में और अलग अलग तरह के इंटरनेट डिस्कवरीज में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि पानी में डायनासोर्स का भी DNA है, उनके मेमोरी सेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि आपकी बॉडी हर 6 महीने में अपने आप को रिक्रिएट कर देती है। रिक्रिएशन ऑफ बॉडी जो है वो किसी ना किसी तरह हो रही है, वो क्वांटम लेवल पे होती है। वो एटम जो है वो बनता भी है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है आपकी बॉडी के, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, नया एटम ऐड होगा, पहले वाला निकल जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज जहाँ पे मेमोरी बदलती रहती है, कुछ पार्टिकल्स ऐड होते रहेंगे, कुछ रिमूव होते रहेंगे, ग्रोथ टाइम में वो सबसे ज़्यादा ऐड होते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं
तो आप एटम्स को ऐड नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में एटम्स में मेमोरी ऐड कर रहे हैं। और उस मेमोरी को ऐड करने के लिए अगर एटम में कोई चीज ऐड करनी है, इट नीड्स अ प्रॉपर फोकस, इट नीड्स अ कंप्लीट साइंटिफिक पैटर्न। डायनासोर्स का डीएनए पानी में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करते थे। जो आएगा थोड़े समय के लिए और चला जाएगा वो आपको याद नहीं रहता है। तो क्वांटम पार्टिकल्स को याद तो वो भी रहेगा पर उतनी इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अभी बेल्सर ने एक छोटी सी बात बताई, उनकी रूटीन अगर कल मूवीज में भी रही, एक चेंज था उनकी रूटीन के लिए कि वो मूवी देखने गए हैं, आउटिंग रही, सब कुछ रहा, एक्चुअल रूटीन थी वो क्या है? वो शख्सियत ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अपनी लाइफ में रोज वो टाइम दिया है कि वो पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कॉलेज टाइम, फैमिली टाइम, कोई ना कोई किसी भी तरह का एडिशनल काम आ जाए वो भी मैनेज करना है, पर उसके बाद पढ़ना भी है और नींद भी पूरी करना। आज हम क्या करते हैं, मूवी के बहाने नींद छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम पढ़ाई और नींद, ये यूं सबसे पहले छोड़ता है। पर जो नींद आज आप छोड़ रहे हैं इस एज में, टिल द एज ऑफ 30-35 बहुत ईजी है छोड़ने की, आफ्टर 35 आज की छोड़ी हुई नींद आपकी बॉडी में वीकनेस दिखाएगी। थोड़ा मेडिकल ओरिएंटेड सा हो गया बट ये सच है। आपकी ही लाइफ में जो नींद आज आपने पूरी नहीं की है वो कल को आपकी बॉडी में आ रही वीकनेस, आपकी बॉडी में आ रहे नेगेटिव चेंजेस का बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि आज जो कंप्लीशन हो रही थी बॉडी की उस नींद के साथ, वो कंप्लीशन नहीं हुई। अगर वो कंप्लीशन नहीं होगी कल जब आपकी एक्चुअल रिकवरी कम हो गई है तब वो चीज़ रिजल्ट होगी। नींद का आपके फोकस से डायरेक्ट बीइंग रेस्टलेस आपको इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देता है जो हमें समझ नहीं आता। मूवी इंटरेस्टिंग लगती है तो बड़े मजे से देखते हैं। अभी थोड़ा सा टॉपिक मेडिकल ओरिएंटेड और बोरिंग हो गया, पीछे टॉक शुरू हो गया। आप दोनों से अगला क्वेश्चन आने वाला है। चीजें बोरिंग क्यों लग रही है? क्योंकि कभी सुनी नहीं है और उनका बेसिक और स्टार्टिंग है। जिस क्वांटम लेवल पे आपने बॉडी को कभी सोचा है कि एग्जिस्ट भी करती है, उस क्वांटम लेवल की बात हो रही है तो अजीब लगेगा। जिस पैटर्न पे आपने अपनी लाइफ को कभी नहीं सोचा, क्योंकि नींद बहुत ईजी है छोड़नी, अब आपको कह दिया नींद छोड़ोगे तो तबीयत खराब हो रही है, ये क्या कह दिया, ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि घर वाले मूवी देखने नहीं देंगे और आजकल तो इंटरनेट भरा पड़ा है। फिर आपका काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला टाइम आ जाता है आज की। ये जो पैटर्न है ना ये रखी, पर अपनी नींद से एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले छोड़ दीजिए। कुछ भी करो लाइफ में ग्रो करने के लिए एक पहला मेजर पॉइंट, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप सोने से जस्ट पहले मोबाइल देख रहे हैं, योर मॉर्निंग विल बी स्ट्रेस्ड, आप सुबह सिर दर्द से उठेंगे, आपको कोल्ड हो सकता है, आपको थोड़ी देर के बाद वीकनेस फील होने लगेगी, जो आप नेक्स्ट डे लर्न करना चाहते हैं वो याद भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है आपका सबकॉन्शियस, जिसमें हर वक्त वो चीज चल रही है जो आपने जस्ट सोने से पहले सुनी थी। सबसे पहले तो सोने से जस्ट पहले वाले टाइम का मोबाइल यूजेज बंद कर दीजिए। कुछ भी हो जाए, अगर लगे ना नींद नहीं आ रही है, आजकल बहुत बड़ा इशू है नींद नहीं आ रही, इसलिए हम लोग मोबाइल फोन लेके बैठे हैं, 21 डीप ब्रीथिंग ये हम आज भी करेंगे, 21 गहरे लंबे सांस और हर अगला सांस पहले से स्लो, पहले से स्लो जी, हर अगली ब्रीथिंग आप 21 टाइम्स लंबे सांस लेते हैं और हर अगला इनहेल जो है
वो पहले वाले से स्लो होना चाहिए, एक्सहेल पहले वाले से स्लो होना चाहिए और आपका फोकस उसे स्लो करने पे होना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी देर लगेगा, एक दिन, दो दिन, दस दिन। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू किया था 21 डीप ब्रीदिंग, आई थिंक 5 मिनट से लगभग, वो इतना क्विक होता था उनका डीप ब्रीदिंग, आज उन्हें आधा घंटा लगता है। 21 मोर देन 1 मिनट फॉर जस्ट अ सिंगल इनहेल एंड एक्सहेल। ये तो सुना हुआ है सबने कि ऊपर से गिर के सिर्फ सांसें मिली हैं, उन सांसों को जितना स्लो कर लेंगे आपकी अपनी कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। और 21 डीप ब्रीदिंग इसलिए है, आपकी बॉडी जिस भी एनर्जी से कनेक्टेड है, जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप उससे टेम्परेरी तौर पे बाहर आ जाते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। शुरू इसी से करेंगे, सारा टॉक बाद में होगा। आज पीछे नींद आने लग गई है, चलिए बैक स्ट्रेट, पीठ बिल्कुल सीधी, बैक साइड पे मोबाइल बंद, मोबाइल बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, या कोई भी ना रखे वो फोटो भी दूध है मुद्रा। इसमें कौन सी मुद्रा? नहीं वो दूध है मुद्रा था, इसमें अपने हैंड्स को ओपन विद योर पाम अपवर्ड, हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ, एल्बो सीधी, अगर तो लैप्स पे आ रही हैं हाथ तो ठीक है, नहीं तो आप टेबल पे रखिए या कंफर्टेबल रहिए, फोर्सफुली नहीं करना, वो टच की हुई एल्बोज आपकी टच करनी चाहिए, नीट सीधी एल्बोज आपकी स्ट्रेट अलाइनमेंट में रहेगी, हाथ सीधे। बातें बंद और हर अगला सांस पहले सांस से धीरे हो इसकी कोशिश आपने करें। डिस्टर्बेंस सिर्फ अपने तक, दूसरों को नहीं करना है डिस्टर्ब। एल्बोज साथ टच की हुई, हमारा भी थोड़ा शुरू करो भैया। 21 डीप ब्रीदिंग, आपने अपने 21 सांस गिने हैं और हर अगला सांस पहले सांस से लंबा होना चाहिए। सर इसको टच भी नहीं करना, मतलब अपने आप स्लो रखिए ब्रीदिंग्स को, फोकस्ड रखिए और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा लंबे समय तक आप इनहेल कर सकते हैं जितनी स्लो आप एक्सहेल कर सकते हैं। फोकस ये नहीं है कि आप नाक से ही इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, मुंह हंसने से ज्यादा सांस छोड़ने और लेने में काम आएगा। और नेक्स्ट 5 मिनट्स पूरा फोकस सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर। पीठ सीधी, गिरे हुए सिरों के लिए स्केल्स आ रहे हैं, स्लो ब्रीदिंग,
जिनका पूरा हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स होके दोनों हाथों को फोल्ड करके रब करके अपनी आईज पे लगाना है विद अ थैंकफुल ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, क्योंकि पीछे वाले बच्चों का एटीट्यूड जो है वो ग्रेटिट्यूड वाला तो नहीं है। This could be a lot more easy and full of fun than you can even imagine. Starting है, जब तक आप ये नहीं शुरू करते तब तक आप एक घंटा नहीं बैठते, और जिस दिन आप इसको 40 मिनट से ऊपर ले जाते हैं, एक सेशन यहीं से दोबारा लिया जाएगा सिर्फ उन बच्चों का जो इस टाइम को 40 मिनट्स क्रॉस कर लेते हैं। सिटिंग को ब्रीदिंग 21 से आपकी 51 हो जाएगी, टाइम एटलीस्ट 45 मिनट्स, बैक स्टेट और सिंगल सिटिंग। इतनी प्यारी एनर्जी एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है, आपको उसमें मजा आने लगेगा, पर उसके लिए पहले बैठना पड़ेगा। जब तक आपकी स्पाइन को बैठने की आदत नहीं है, आपको उतनी एनर्जी को गेन करने की आदत नहीं है, तब तक आप उससे बाहर नहीं आओ। नींद आ गई, नींद आ रही है बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इधर से मेडिटेशन को लेके क्या क्या थॉट है? खड़े होके एक एक सर, अपने आप को खोजना, अपने अंदर जाना, अपनी आवाज सुनना, अपने दिल की आवाज सुनना। नॉट बेटर। सो मेडिटेशन में हम अपने आप को गॉड के साथ, डिवाइन के साथ यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। मतलब सांसों को नियंत्रित करना, तभी हम गॉड के साथ जुड़ पाएंगे। स्वेटर है आपके पीछे, मेडिटेशन को लेके क्या थॉट, क्या दिमाग में आता है पहली चीज? सबसे ज्यादा नींद में आप ही हो ना, बहुत डिटेल में पता है इस बारे में। फिर तो क्लास में दो चीजों में नींद आती है, या तो टॉपिक आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है। बिल्कुल ही नहीं आता है तो आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंडफुलनेस टेक्निक्स हर कोई कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। इंटरनेट पे आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पता है, तो थोड़ी सी गाइडेंस तो बच्चों की बनती है। संतुष्टि आ कि मैं भी इस दुनिया ते है, ते लाइक कि मेनू अपने आप नू होर बेटर करना चाहिए। पहले अभी आके बैठो, आप अगला पिछला सब कुछ खोल के प्रेजेंट से जीना सकते। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं जो से सारे मेडिटेशन थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे।
दो हो गए, एक रह गया, दसो जी। आपके हिसाब से इनमें से किसका आंसर सबसे बेटर था? मुझे उसका लगा प्रेजेंट में जीना, अगला पिछला भूल के। मुझे लगा कि माइंड को बिल्कुल एम्प्टी कर देना। हाँ, जो हमने अननेसेसरी टॉक्सिंस बिठा रखे हैं। तो बोल रही थी बेचारा। नहीं, कभी बोली थी कि खाली कर देना। खाली कर देना। गिव इट अप, गिविंग खत्म। गिविंग से बहुत पहले एक पार्ट आता है। जी। मेरे को लगता है कि लाइक अपने आप को अंदर से जानना, बिकॉज जब आप कहते हो कि अपनी सांस को गिनो, नॉर्मली हम जब कुछ भी कर रहे होते हैं, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ पूरी से खड़े, नोबडी इज मॉनिटरिंग द ब्रेथ। तो अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो सांस है वो अंदर तक जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, फुट तक जा रहा है, वो हम कर रहे हैं। तो दैट्स फाइंडिंग योर इनर सेल्फ एंड टू गेट द टॉक्सिक्स एंड द स्ट्रेस आउट ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाट आई फील। लॉट बेटर, जिसमें आपको एनर्जी और मेडिटेशन का लिंक भी क्लियर हुआ थोड़ा सा। तो सर आप किस साइड पे है, ये उधर आप पता नहीं लग रहे हैं। देखिए, आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी फिजिकल बॉडी से ज्यादा जरूरी एक्चुअली कुछ नहीं। अगर बॉडी कायम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इफ उंगली कट जाए तो एक उंगली का जो काम है कहीं ना कहीं वो कम हो ही गई। हाथ कट जाए तो हाथ की जो कमी है वो कहीं ना कहीं रहेगी। अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी में वैसा ही एक ब्लॉक लग जाए तो आप कितना कम काम कर सकते हैं। आज उसी ब्लॉक से बाहर आने की एक कोशिश के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक इंसान सिर्फ अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए, अगर आप सिर्फ गहरे लंबे सांस ले रहे हैं और आप इस चीज को विदाउट पॉज कंटिन्यू करते हैं, देयर आर पीपल हु हैव बीन फाइटर्स सिर्फ इस एक प्रैक्टिस से। उनकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी है कि उनसे क्या क्या हो सकता है यार उन्हें भी नहीं पता। दे गेट टू डू इट जब कुछ हो जाता है, वो बहुत मेजर डिफरेंस है। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी बेसिक प्रैक्टिस यही है, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट्स हैं उनकी बेसिक प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रैक्टिस यही है। सांसों से पहले कुछ नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो डॉक्टर उसके बॉडी शेप को नहीं देखता है, डॉक्टर को उसकी फिजिकल फॉर्म से मतलब ही नहीं है। पहली चीज जिस पर ध्यान दिया जाता है वो ये कि वो सांस ले रहा है, उसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हमने उसको टॉक्सिक कर दिया। कैफीन इंटेक आपकी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ रही है, बट एक्चुअल में आप लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी को एजिंग दे रहे हैं। इट इज नॉट एंटी एजिंग, इट इज एक्चुअली फास्ट एजिंग। कैफीन को लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है, डार्क कॉफी पी लो, डबल शॉट कॉफी पी लो, वो चार चार पैकेट डाल के बच्चे कॉफी पी रहे हैं। और वो जो कॉफी का इंटेक आप कर रहे हैं ना, जो कैफीन बॉडी के अंदर जा रही है, वो आपकी बॉडी की एजिंग स्पीड को बढ़ा देती है। नोटिस करेंगे जो बंदा ज्यादा कॉफी पीता है वो 40 साल की उम्र में आपको 50 का लग रहा होगा। एनर्जी कॉफी के सिर पे है बिकॉज ऑफ कैफीन, बट एक्चुअल में नहीं है। कैफीन इंटेक ही हर घर में चाय का कारण है। तो बिना कैफीन के हमें काम की आदत नहीं रही है, उसे कम कीजिए। ब्रीदिंग स्पीड को जितना ज्यादा आप न्यूट्रलाइज करेंगे, जितनी स्लो ब्रीदिंग होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक प्लेयर प्रैक्टिस किया, छोड़ दिया, भूल गए, कोई फायदा नहीं। पर किसी एक ने इस चीज को यहाँ से पिक कर लिया, हफ्ते 10 दिन में उसको याद आता है और वो एक बार बैठ जाता है,
चलते चलते कहीं स्लो ब्रीदिंग शुरू कर देता है, वही काम कर रहे हैं साथ साथ स्लो ब्रीदिंग चल रही है, विद इन सिक्स मंथ्स, विद इन टेन मंथ्स और फाइव ईयर्स आपकी बॉडी एक पैटर्न एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी ब्रीदिंग स्पीड एक्चुअली स्लो हो जाएगी। जितनी गहरी सांस आप लेते हैं द मोर योर लंग्स एक्सपैंड द मोर दे कंप्रेस, जितना ज्यादा आपके लंग्स वर्क करेंगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फास्ट एनर्जी जनरेशन के लिए आप हर वक्त के लिए फास्ट ब्रीदिंग शुरू करते हैं, जो आजकल कॉमन है योगा के माध्यम से टीवी प्रचार से आप सीख रहे हैं, इट इज़ गुड, बट तब तक जब तक आप सिर्फ कभी कभी उसको रिपीट कर रहे हैं, रूटीन में रखिए, दिन में 10 बार नहीं करिए,